खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। और एबीपी न्यूज का ये जो सर्वे सामने आया है उत्तर प्रदेश को लेकर, इस पर क्या कह रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, सीधे रुक करते हैं रूबिका का। रूबिका नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना, एबीपी नीलसन का ये सर्वे बताने के लिए। इस वक्त उस लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ जहाँ जिस शरण में मायावती भी आई, जिसकी शरण में मीरा कुमार भी आई, जिसकी शरण में रामविलास पासवान भी आए। और आज एबीपी न्यूज बिजनौर वासियों के बीच में जोरदार तालियों से स्वागत। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, और उस पर एक एक सीट का विश्लेषण ये बताता है कि साथी यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से अपने पास सीटों को खींचते हुए नजर आ रही है। आप जानते हैं कि ये सीटें और इस पर कब्जा क्या बताता है, यानी उत्तर प्रदेश को साथी पसंद आ रहा है, इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ स्टेज पर इस वक्त आप देखिए चार बड़े खास मेहमान मौजूद हैं जो यहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी अशोक कटारिया साहब के, साहब से जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उसके बाद मुनीश त्यागी साहब वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। हमारे साथ शमशाद अंसारी साहब भी है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। हमारे साथ मोहम्मद जैद साहब है जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं। सबसे पहले कटारिया साहब आपसे शुरू कर रही हूँ, कमल नहीं साथी पसंद आ रहा है यूपी को इस बार हाथी। देखिए ये जो सर्वे है ये चैनल का सर्वे है, मैं आपको जनता का सर्वे बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74 सांसद बनाने जा रही है, ये जनता का सर्वे है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, जमीन की रिपोर्ट है, नीचे की तो रिपोर्ट है। एसी में बैठ के थोड़ी रिपोर्ट तैयार करते हैं, मुझे नहीं मालूम कहां से आपने रिपोर्ट तैयार करी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए, आपने कहा कि साथी का ही पूछा जाता है, बहुत बड़ा सर्वे सैंपल हमारा होता है। मुनीश त्यागी जवाब दीजिए, आप तो 3 महीना 13 में साहब, आप तो कहीं भी नहीं है, इनके झूठ को जनता जान चुकी है। 2013 में ये बच्चों का एग्जाम हुआ था पुलिस भर्ती का, आज तक वे लोग बेरोजगार हैं। युवा शक्ति ने वोट नहीं देगी, 80 की 80 सीटें कांग्रेस जीतने का काम करेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये जो पन्ना लहरा रहे उसमें 2013 लिखा है ना, केंद्र में किसकी सरकार थी याद दिला दीजिए। अब राहुल गांधी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार थी जो दिया है कांग्रेस ने इस देश को दिया है। अच्छा, जितने उद्योग दिए हैं कांग्रेस ने दिए हैं, जितनी व्यक्तियाँ दी है कांग्रेस ने दी है। अरे जो पन्ना लहरा रहे उसका साल तो पढ़ लीजिए, 2013 में कौन था? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन था 2013 में? कौन था 2013 में केंद्र में कौन बैठा हुआ था? 2013 में पुलिस की नाक के नीचे देश के बाद ये लोग तो फिर वो पन्ना काहे लहरा रहे हैं? एक लाख वो पन्ना जेब में डाल दीजिए ना साहब, तो वो पन्ना जेब में डाल दीजिए मुनीश जी, वो पन्ना ऐसे लहराने से कुछ नहीं होता है। मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप, आंकड़ों में आप फेल हो रहे हैं। FAIL देखिए, ये झूठ बोल कर आए थे, इन्होंने 15 लाख खातों में देने का काम किया। मैं जनता के बीच में भी आऊंगी, लेकिन एक बार जरा जल्दी से मैं 370 कदम हुई है झूठ के अलावा। ठीक है, शमशाद अंसारी सबसे पहले तो मैं रूबिका जी आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने, सर मुझे नहीं मायावती जी को बधाई दीजिए, इन 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 बीजेपी वालों को आईना दिखाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो सर्वे है आपका, आप ये सर्वे में 42 सीट महागठबंधन को दिखा रही हो, इंशाल्लाह ताला मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये 42 से 76 होने वाली अपने है, दम क्षेत्र होने वाली है। अपने दम पर नहीं ला सकते थे, बिल्कुल साइकिल पे हाथी बिठाना जरूरी था। साइकिल और हाथी दोनों एक दूसरे के स्तंभ बन चुके हैं, यहाँ से लेकर 2022 तक ये गठबंधन चलने वाला है। और मोदी सुन लीजिए, मैं चार लाइनें बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करना चाहता हूँ कि अंधेरा चारों तरफ फैला,
चराग अपना जला देगी, तुम्हारे जुर्म की देखना तुमको सजा देगी, गलत फहमी में जो डूबे हुए हैं गौर से सुन लो, ये गठबंधन की आंधी है तुम्हारे होश उड़ा देगी। कटारिया साहब जवाब दीजिए। ये एक मिनट, ये जुर्म की बात कर रहे हैं, ये जुर्म की बात कर रहे हैं जिनके जमाने में इतना जुर्म होता था कि बदायूं में सरेआम दो बहनों को मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता था। इनके जमाने में जुर्म होता था बुलंदशहर में बहनों के और माताओं के साथ सरेआम बलात्कार होता था। ये जुर्म की बात कर रहे हैं, ये जुर्म की बात सपा के लोग कर रहे हैं। जैद साहब, महिलाओं का जिक्र किया है, गेस्ट हाउस कांड तो आपको याद होगा ही। बिल्कुल। उसके बावजूद आप साथ आए हैं। देखिए, बावजूद आप साथ आए हैं। देखिए, आज जो है जरूरत इस बात की थी, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर इस तरीके का माहौल चल रहा है। तो इतनी मोहब्बत है सर, तो टोपियां बदल लीजिए ना मैडम। इतनी मोहब्बत है तो टोपियां बदल लीजिए, लाल टोपी आप लगा दीजिए, और ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ये गठबंधन नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने का काम करेगा। सर, इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है, मायावती जी और आपकी पार्टी जो है यानी समाजवादी पार्टी, विलय कर दीजिए, एक दूसरे की टोपी एक्सचेंज कीजिए, मोहब्बत के पैगाम बांटिए। अभी भी साथी का साथ है, हाथी और साइकिल का साथ है, और दोनों मिलकर साथी बने हुए हैं, साथ में चल रहे हैं। टोपी एक दूसरे की बदलने से काम नहीं होनेगा, दोनों टोपियां एक के साथ काम करेंगे। बदल देंगे लेकिन टोपी नहीं बदलेंगे। मैं जरा बीच में जाना चाहती हूँ जनता के, मैं बीच में जाना चाहती हूँ, लेकिन उस पहला कौन जिम्मेदार? भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड, सब सरकारें, सब अखिलेश यादव। 2013 हम 6 साल से घूम रहे हैं। सर जवाब दीजिए कटियार साहब, ये क्या है? ये पन्ना देना। सर ये क्या है? ये मैं बताता हूँ। 2013 में, एक सेकंड रुकिए, जवाब लेने दीजिए, मैं जवाब देता हूँ कटियार साहब, ये क्या है? 2013 में यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2013 में ये उनका किया गया पाप है, अखिलेश यादव का। ठीक नहीं हो सकता है? हाँ, हो रहा है। 1,29,000 भर्ती निकाली है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, 1,29,000 भर्ती पुलिस के सिपाहियों की निकाली है। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोह से क्या परेशानी है? सीआरपीसी में क्यों बदलाव चाहती है? बड़ा सवाल, राष्ट्रद्रोह से क्या परेशानी है? मैनिफेस्टो में ऐसा क्या लिख दिया आपने कि पूरे देश में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं? कोई सवाल नहीं पूछ रहा मैडम, ये जो मैनिफेस्टो में तो आया आपको है, क्या लग रहा है मैं गीता पुराण पढ़ रही हूँ? मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ आपसे, ये क्या मतलब है कि राष्ट्रद्रोह हटा दिया जाएगा? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल गलत, मैनिफेस्टो गलत, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो गलत है। झूठ के माहिर है, बहुत झूठ के माहिर है। तो सच क्या है? सच ये है कि हिंदुस्तान शांति से आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, नए उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये होगा। इन लोगों ने जो देशद्रोह की धारा हटाने का काम करने की कोशिश की है, मैं कहना चाहता हूँ जनता की अदालत में इनका घोषणा पत्र है, ये देशद्रोह की धारा हटाना चाहते हैं, और हम हिंदुस्तान से देशद्रोह को हटाना चाहते हैं। ये देशद्रोह की धारा खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, देशद्रोह की धारा खत्म करना चाहते हैं, और हम देशद्रोहियों से मुक्त देश को करना चाहते हैं। महामहिम, आप ये दिन आ गए हैं, मैं बताऊंगा, ये दिन आ गए हैं करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया है। अगर हिंदू मुस्लिम के झगड़े को समाप्त करने की बात क्यों नहीं कर देते आप? इस मंच से ये उल्टी बात करने का काम कर रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो झूठ है, मैनिफेस्टो में बिल्कुल ठीक है, गलत है। शांति के साथ हिंदुस्तान चलेगा, तरक्की करेगा। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में क्या कह रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देशभक्त, देशद्रोह। तो लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर भी बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। कुछ तकनीकी खराबी भी हुई है, इस वजह से हमें वापस स्टूडियो आना पड़ा है। और आइए जल्दी से एक बार फिर से ये बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश को लेकर आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें, और इन 80 सीटों पर एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे क्या कह रहा है? 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर निकल कर आएगी? ये है वो तस्वीर, ये है वो आंकड़े। 42 महागठबंधन,
36 एनडीए और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर। जो डॉक्टर है आज उसको चौकीदार बना के खड़ा कर दिया है। मैं आपके सर्वे से ये कहना चाहता हूं कि एक नारा 2014 में एक नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। 2019 में नारा है घर के बाहर मोदी, घर के बाहर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी या घर से बाहर मोदी, हर हर मोदी, घर हर मोदी या घर से बाहर मोदी। ये कहते थे कि जिसकी गाड़ी पे सपा का झंडा है वो गुंडा है, तो क्या हाथी वाले समाजवादी को गुंडा कहेंगे? आपके लिए सवाल है, जब जब आपकी सरकार आती है गुंडागर्दी बढ़ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब जब आपकी सरकार आती है गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है। मैं बताना चाहता हूं मैडम, गुंडागर्दी बढ़ी है। माननीय सांसद संत कबीर नगर में विधायक को जूते से पीट रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ी है। डीएम के सामने विधायक सांसद जूते से पीट रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ी है। देखिए जूते मारे जा रहे हैं, जूते दूसरे को। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए, ये चोर चोर मोसेरे भाई और इनकी बाप कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई इनकी बात। जो एक दूसरे को जूता मारे वो, मेरा क्या कहना है, वो कार्रवाई की गई है अनुशासनात्मक। कोई गलती करेगा तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये लोग ये छाज बोले तो बोले, छाज बोले तो बोले, चल्ली बोले जिसमें सोच है, ये बोलेंगे। सपा के राज में चारों तरफ गुंडागर्दी, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ऐसी थी सपा की सरकार। सुरक्षा चारों तरफ सुरक्षा, अनाचार, दुराचार, आपको कांड याद होगा। और ये सब बसपा के लोग गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, जब सुबोध कुमार जी को गोली मार दिया गया, जब पुलिस वाले आपके आपकी सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 29,334 गणित विज्ञान की भर्ती हाई कोर्ट ने की। मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा योगी सरकार में बलात्कार हुए, 3 महीने में ही 600 कुछ बलात्कार हो गए थे। नारे लगाओगे चौकीदार चोर, बीजेपी ने कुछ नहीं किया आज तक। सीधार झूठे 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 और जुमलों के सिवा कुछ नहीं किया। किसानों का 14 दिन ये जुमलेबाजों की सरकार है, चौकीदार चोर है। जुमलेबाजों की सरकार, चौकीदार चोर है। मैम जो कांड हुआ था, पेदा कांड हुआ था वो क्यों हुआ था? हाँ, बिजनौर में जो विकास की बात है, इनसे ये पूछो सबसे कि मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय आज तक क्यों नहीं बनने देते? बताइए कटियार साहब, आप तो यहाँ पर समाजवादी केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही है और बीजेपी की रही है, तब ये मेडिकल कॉलेज बनवा नहीं सकते थे? ये मेडिकल कॉलेज बनाने का बहुत बड़ा मुद्दा है जो विकास के उसमें लगा हुआ है। ये आपके उसमें आपकी गवर्नमेंट रही है, इससे पहले भी रही है, तब आप नहीं बनवा सके? जवाब लेने दीजिए। मेडिकल कॉलेज का बीएसपी फैशन ने विरोध करा है, आप इनसे पूछ लिए, बीएसपी वाले भी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी थे पहले, कितनी लाइट आती थी, और ये समाजवादी पार्टी के चेयरमैन खड़े हैं। आप ये गुंडे की बात करते थे, हमारी बहु बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया था सपा की सरकार में, सपा की सरकार में औरतों का निकलना मुश्किल हो गया था। एक उदाहरण बताइए, किस मुंह से वोट मांगे? हमारी माँ बहने समाजवादी सरकार में पूरी ऊर्जा सुरक्षित थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुंडे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो गद्दियों पे बैठ गए, इसलिए गुंडागर्दी खत्म हो गई है। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया सर? देखिए मेडिकल कॉलेज इनकी घोषणाएं, इन्होंने जाने से पहले इतनी सारी घोषणाएं की हैं। क्या लोगों का यकीन आप पर कम हो गया है? मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन को मिल रही है 42 सीटें और आपको 34, 73 से 34। हम 74 की तरफ जा रहे हैं, हम 74 की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा अपना सर्वे है। हाईकोर्ट बेंच का वादा किया था भाजपा वालों ने, हाईकोर्ट बेंच नहीं दिया आज तक इन्होंने। आपने वादे पूरे नहीं किए, अब जनता वादा नहीं करेगी आपको वोट करने का। हम 74 की तरफ जा रहे हैं। हमने क्या बनाया, मैं बता रहा हूँ हमने क्या बनाया है। हमने गंगा पर पुल बनाया है, हमने बाला वाली का पुल बनाया है। आप सीटें क्यों लूज कर रहे हैं, क्या वजह है? हम सीटें लूज नहीं कर रहे हैं, हम 74 सीटें जीत रहे हैं। 74 मैंने कहा, अगर सीटें क्यों लूज कर रहे हैं आप दोनों के साथ आने से?
आप दोनों के साथ आने हम दोनों के साथ आने से इनको जो ना ये ताबूत में आखिरी हम लोगों का साथ जो है इनको इनको 14 पर ले आएगा। ये 74 की बात करते हैं, इनको 14 पे ले आएगा। ये साथ ये हमारा साथ जो है इनकी सियासत के गद्दी से नीचे उतार फेंकेगा, हिंदुस्तान की गद्दी से बाहर फेंकेगा। ये जीत युवाओं की होगी, ये जीत किसानों की होगी, ये जीत नौजवानों की होगी। मोदी ने महिलाओं को 8.5 करोड़ के झंडा दिए। जो वर्तमान चुनाव है ये राष्ट्र के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान जीतेंगे। मोदी जी, मोदी की सरकार आ गई, जीतेंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी, ऐसा बोला जा रहा है। मेरा सवाल ये है, भाजपा ने किसानों के लिए वादा किया था जो डीएपी का कट्टा 800 रुपए का मिलता था, 1400 का है। मेरे बिजली का बिल जो 900 रुपए का आता था साल भर का, आज 1500 का है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। बिजनौर जिले में गन्ने का पेमेंट मांगने पर पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठी बरसाने का काम किया। कटियार साहब, आपके आपको वोटों का मीठापन तो चाहिए, लेकिन गन्ना किसानों को गन्ना बजाएंगे, लट से पीटेंगे। आज तक जितना हमने किया किसानों के लिए किसी दूसरे नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, बिजली पहले आती नहीं थी जितनी आज हमारे समय में बिजली आती है। गन्ना हमारे जमाने में जितनी गन्ना, बिजली कितने गन्ना किसान है, सही तरीके से पेराई नहीं हो पा रही है। मिल गन्ना किसान पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। मैं जो है मेरा वाली सरकार गन्ने की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया पेमेंट मिल रहा है और बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है किसान के लिए। भाई एक गन्ना किसान ये के, एक आप क्या कह रहे हैं? हम गन्ना किसान है और गन्ने में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा हमारा गन्ना बिक रहा है, पेमेंट भी हमें मिल रहा है और बहुत बढ़िया। गन्ना किसान का पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, गन्ने की कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया गन्ना बिक रहा है, पेमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें और मिल रहा। किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुई? कलेक्टर नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसी किसी किसान आत्महत्या नहीं करी, किसान किसानों की लड़ाई नहीं है। आप दोनों किसान हैं, आप दोनों किसान हैं ना? किसान है। आपका कितना बीघा खेत है? मेरे 20 बीघा खेत है। आपका कितना? मेरा 40 बीघा खेत है। आप कह रहे हैं कि आपको पैसे नहीं मिले? जी बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा 12 मार्च तक का पेमेंट इस साल का हाथ हुआ है। जो आप सत्य है, कोई गलत नहीं है। तो आप दोनों में से सच्चा कौन और झूठा कौन, ये रिपोर्ट बताएगी। आप देख लेना किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुई, किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुई। किसान वहाँ डकैती था, दो दिन में पेमेंट का वायदा था, बीजेपी ने वायदा पूरा नहीं किया। और सुनो, बिलाई मिल बिजनौर का सबसे निकम्मा बिल है, मैं मरने वाला हूँ आज, मैं मर जाऊंगा आज। ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं, मुझे वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिजनौर वासियों के लिए। गन्ना इज्जत से बिक रहा है हमारा गन्ना। अब जो भी नहीं सर, जो भी होगा गन्ना किसान बटन दबाते हैं महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए, ये तय हो जाएगा 23 मार्च को। सबसे तेज नतीजे आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। बिजनौर वासियों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जरूरी सूचना, दर्शकों को हम बता दें कि इस चर्चा में कही गई बातें संबंधित पार्टियों की थी और आम लोगों ने जो कहा वो उनके अपने विचार थे।